हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले करके आए हैं हरे कृष्णा गौशाला में। ये उसका एड्रेस है और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र गौशाला है जो कि एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये शुरू किया है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ सकें और यहाँ आकर के भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम भी जो बड़े भी आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गायों की जो केयर करते हैं, जैसे बोलते ही हैं कि गाय हमारी माता है, तो बच्चों को वो चीज़ें समझ में आती हैं जब वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। तो एक छोटा, मतलब जगह काफ़ी बड़ी है पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर जैसा बना रखा है और यहाँ भजन कीर्तन वगैरह ये लोग करते रहते हैं। आज मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटे का जो बर्थडे फंक्शन उन्होंने यहाँ सेलिब्रेट करने का सोचा है और ताकि बाकी लोग भी, कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर आएं और उनसे जुड़ें। और ये ओपन इनविटेशन है सभी लोगों के लिए जो भी मेलबर्न में हैं कि आइए यहाँ, आप अपने बच्चों को लेकर के आइए और इस गौशाला से जुड़िए, उनको बताइए कि हाँ देखो कि हम प्रकृति के बीच में रहते हुए कैसा काम करते हैं, कैसे जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे हमें करना चाहिए। और इसके अलावा ये एक फूड ट्रक लगाया हुआ उन्होंने आज के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सात्विक खाना आज के लिए वो सर्व कर रहे हैं और इस तरीके से गाड़ियों की ये पार्किंग दे रखी है। तो काफ़ी काम हम लोगों ने वॉलंटरी लेवल पर किया है इस जगह पर और ये है गौशाला। और सभी लोगों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आएं और जुड़ें और उनको बताएं कि देखो कि गायों के साथ किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं वो लोग गोबर भी उठाते हैं। ये देखिए एक बच्ची है, ये देखो, ये आपका गाय को इस तरीके से ये फीड कर रही है। तो ये देखिए, आपको मैं अभी और भी क्लिपिंग दिखाता हूँ इसके आगे की। और यहाँ पर इन्होंने आज कैटरिंग का थोड़ी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जितना भी खाना है वो बिल्कुल सात्विक है, बिना प्याज बिना लहसुन के इन्होंने यहाँ पर ये खाना बनाया हुआ है और सारा जो है घर से ही आया है सामान, क्योंकि यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि कैटरिंग में जैसे वो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें जो है मसाले या उस तरीके का सामग्री यूज़ ना की जाए। और ये देखिए, और ये देखिए, ये हैं हमारे भांजे आदि जस्सल जो इंडिया से आए हैं घूमने के लिए और ये काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और आज को आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए भजन कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप थोड़ी देर इस चीज़ को भी एंजॉय कीजिए। और ये अंदर का दृश्य इस तरीके का, ये देखिए, देखिए आप लोगों को और अच्छा व्यू दिखाते हैं कि गौशाला एक्चुअली देखिए कैसी है। ये जो भी कैनोपीज हमने लगाई हुई हैं जस्ट फंक्शन के लिए, ये हट जाएंगी और उसके अंदर जो है एक छोटा सा जो है हॉल जैसा बना रखा है, छोटा सा ही, लेकिन इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो हैं और यहीं पर पूजा और भजन वगैरह होते हैं। और ये इधर गाय हैं, गायों के लिए एक फीडिंग कराने के लिए ऐसे फेंसिंग सी लगाई हुई हैं और फिर गाय जो हैं रात को इधर जो फील्ड जो हैं ये इसमें चली जाती हैं ऐसे। ये देखिए ये फेंसिंग है और पीछे जो है वो हरी घास वगैरह खाने के लिए उनका वहाँ पर है व्यवस्था है। और ये बीच में ये थोड़े छोटे छोटे से जो आपको लाल ड्रम्स दिख रहे हैं, इसमें क्या किया है यहाँ पर नेचर से जुड़ने के लिए, तो इसके अंदर जो है गोबर वगैरह डाला है तो अपने आप उसमें मेन्यूर बन जाता है, खाद बन जाती है और फिर उसको जो है वो आप आगे प्लांट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स में जो है खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है अभी ये लोग यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे काम हो रहा है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वॉलंटरी वर्क करते हैं,
तो यहाँ पर इनका जो है एक ये वेजिटेबल पैच बनाने का वन है ताकि ये होम ग्रोन वेजिटेबल्स पूजा प्रसाद सामग्री जो है वो यहीं पर ये लोग उगा सकें। और ये थोड़ा सा कार पार्क की जगह है, तो कल रात को बड़ी बारिश हुई थी तो इस वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये पानी भर गया है, कीचड़ सा हो रखा है, बट अदरवाइज यहाँ पर आप आइए, बहुत ही सुकून मन की शांति। ये देखिए इनकी तो दोस्ती हो रखी है इन गायों के साथ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे ये बच्चा यहाँ पर आता है और इनको फीड कराता है, इनके साथ जो है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहता है। ये देखिए तो ये जो फीलिंग है ना जो बच्चों के अंदर जो आती है कि हाँ जो है इंडिया में गायों का कितना सम्मान किया जाता है और गाय को मांस स्वरूप माना जाता है, तो ये जो फीलिंग्स हैं ये बच्चों में यहाँ पर आती है और उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए कितना अच्छा है, जैसे कंट्री साइड जिसको बोलते हैं कि गाँव में जैसा माहौल है उस तरीके का यहाँ पर माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पर केवल पानी का कनेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और यहाँ पर जो है सोलर पावर का इन्होंने यूज़ किया हुआ थोड़ा बहुत जो टेम्प्रेरी जो रात के समय रहता है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ये देखिए कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गायों को, ये यहाँ पर गाजर खिलाते हैं, केले खिलाते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आ करके इस तरीके से इनको जो भी फ्रूट्स जो हैं ये लोग खिलाते हैं तो खिला सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बड़ा अच्छा लगता है ये। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व से जिन्होंने इस गौशाला को शुरू किया और सारा इनिशिएटिव लिया, ये सब इन्हीं का प्लान था। और हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये गौशाला आखिर शुरू क्यों कराई। सो प्रभु जी, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो, लिटिल बिट। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन इन हिंदी, कैन यू आंसर? नो। ओके, सो व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस गौशाला एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस गौशाला? ओके, वी स्टार्टेड दिस गौशाला 2.5 years ago. I have inspired by Srila Prabhupada's teaching, and in his teaching he says that namo brahmanaya devaya go brahmana hridayacha jagattidaya krishnaya govindaya namo namaha. In this verse what it says, like Krishna protects the cow and the brahmanas, so we need to protect the cows for the human society to continue. If they don't protect the cow, our human civilization will be wiped out at one point. Okay, Prabhuji, I have seen the kids, they are coming to the Gaushala. How you're feeling? Did you have any plans for the kids about yes. this Gaushala? Yes, we had the plan, because nowadays the children are deviating from the nature. They are pretty much inclined to computers and the phone. So to bring them to the nature's way of living, we have brought the cows so they can come and feed the cow and they can get attached to the cows and they will like to feed them and play with the cows. That's why we have started it. So they can come and play around, they can feed the cow, they can pat them around, then they get to know how the milk is coming from, where the milk is coming from. Nowadays, the children, they think the milk is coming from Coles or Woolworths. They don't know where the milk is coming from. So when they come to the Gaushala, they get to see the how we milking the cow and how they are, you know, living in the farm, all that they will get to know. And they can play around, they can enjoy, and they can go with the nature's way of living. And how you are managing this Gaushala? Because you started single-handedly this Gaushala. So how you are managing the finances and any kind of, like, you know, the functions that we have? So from where the finance is coming? So when I started it, I was using my own savings. So now we have about 175 congregation members. They all coming to the Gaushala. They are donating and they are coming to help us. They are volunteering themselves. They come and clean the farm. They come and feed the cow. They donate for the cow food. They donate for the, when we having events and functions, they are donating to us. And then with those funds, we are now managing the Gaushala. Thank you, Prabhuji, for providing the valuable information. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So, ye hai hamare wo vyaktitva jinhone ye Gaushala shuru ki.
और मैं इसीलिए आप सबसे ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर के आइए और गौशाला से जुड़िए। हरे कृष्णा।